हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप एकदम मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, और आज का व्लॉग शाम से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि सुबह से ऐसे ही रहा था, और अब स्टार्ट कर रही हूँ मैं शाम को। और अभी मम्मी पीस रही है आटा, क्योंकि जैसे कि हमारे पास चक्की है, मतलब छोटी जो होती है घर पर रखते हैं वाला, तो मम्मी उसमें आटा पीस रही है। और जैसे कि शाम का टाइम हो रहा है, तो अभी मैं जाऊँगी थोड़ी देर छत पर घूमने के लिए, क्योंकि ममता भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही है। फिर उसके बाद जाएंगे हम घूमने के लिए बाहर। बट तब तक, जब तक ममता ट्यूशन पढ़ाएगी, तब तक मैं छत पे घूमूंगी, और चीची को भी लेके चलते हैं थोड़ी देर। वैसे तो रहता नहीं है छत पे, एक सामने आवाज़ करता रहता है, पर फिर भी उसको लेके जाएंगे हम थोड़ा। इधर मम्मी के लिए सामान आया हुआ है करवा चौथ का, जो कि चाची ने दिया है। ये पता नहीं क्या क्या है इसमें, बाद में देखेंगे। आ जा, ये देखना। आ चीची, आ चीची, खाने के लिए चाहिए बस। आ नहीं आ रहा बाहर। आ निकाल दिया हमने इसको बाहर, अब छत पे लेके चलेंगे। बाहर आने को बिल्कुल तैयार नहीं। वैसे छोड़ तो बाहर, पर वैसे नहीं पकड़ना। चल छत पे चलें, छत पे चलेंगे। ए पीस रही है इधर मम्मी आटा, इतना सारा पीस दिया। एक डेढ़ महीना चल जाएगा ये? अच्छा, पीस चुका है इतना, अभी उसमें पीस रहा है इतना। मेरे हलवा बनाने के लिए? अच्छा, मेरे हलवा बनाने के लिए पिस रहा है ये सारा आटा क्या? इतना सारा हलवा थोड़ी खाऊंगी मैं। अच्छा, इधर इधर मेरा ब्लॉग चल रहा है क्या? मैं बोल रही मेरी आवाज अंदर से कैसे आ रही है? मैं बोल रही मेरी आवाज अंदर से कैसे आ रही है कमरे से? यहाँ मम्मी फोन में इधर मेरा ब्लॉग देख रही है, पर आटा भी पीस रही है। और ये रहा हमारा चीची, इसको रखेंगे नीचे। चल चल चीची जा। और आज रात हमने जाना है पार्टी में, जो कि वहाँ है सामने पीछे। अभी ये भी पीसेगी मम्मी, जो कि है मंडवा क्वाथ का पिसू बनेगा, मतलब इसका। मम्मी ने अंदर ब्लॉग चला रखा है करा चाहती ऐसी मैं भी शॉक हुई थी जब मैं आई, मैंने कहा आवाज तो मेरी है, पर कहाँ से आ रही है ये आवाज? चला गया उधर। ये आ रखा है आपके लिए। तो इसमें चाची ने चावल क्यों दे रखे हैं, मैंने समझ में नहीं आया। चावल और चीनी इसमें तो पानी डालते ना, इसमें तो पानी रहता है। पैसे भी देते हैं क्या? तो काम आ जाएगा। पैसे भी देते हैं? पैसे तो आपको देने चाहिए ना, उनको वो क्यों देते हैं पैसे? बिंदे काम आ जाएगा, मेहंदी। मम्मी तैयार हो रही है मेहंदी पार्टी में जाने के लिए। वो तो है। इधर ममता भी करेगी फेस वॉश, अंदर मम्मी लगी हुई है। मैं नहीं करूंगी। हम कभी नहीं धोते, सुबह धुलती तो मैं मुँह बत्ता भी जैसे तो बोल मत। कितनी जगह से आए? अभी तो घूम के आए बस इधर से। ओ, और अर्जुन जो तू पैरों के लिए उस दिन बोल रही थी जब मैं तेरे को बोला ममता। अच्छा नहीं, मैं तेरे को बोला पैर धो, तो तूने क्या बोला? कहाँ से होके आया, हम शादी से आ रहे जबकि बदतमीज। तो पैरों पर फेस पे कोई फर्क नहीं है? मैं वाइफ से साफ। हाँ हाँ, वाह वाह, अगले दिन से नहीं ले जाऊंगी तुझे मैं अपने घर। अब तुम्हारा बेड गंदा करने के लिए ऐसे घुस जाएगी। वाइफ से साफ कर लेंगे हम यार, अभी करेंगे हम फेस वॉश। ऐसा नहीं है, करेंगे करेंगे। मैंने धुल दिया है मुंह, ऐसा नहीं है हम उन्होंने धुलते हैं, चमक गया। और नहीं कहते लोग बोलेंगे नहीं सच में धुल दिया। मैंने धुल दिया है मुंह, और अभी अभी डिसाइड होगा कौन क्या पहन रहा है। ऐसे चले जाओ, खिड़कियां बंद करके कोई फायदा है? खिड़कियां पर्दे पर्दे नहीं तो जरूर यही पे यही पे चेंज करना, उधर कमरे में जाके कर ले। मेरे कमरे में ठीक है, इसी को पहन रही मम्मी जो करवा चौथ पे पहनी थी, फिर इसको धुल देंगे। मैं भी वही पहनूंगी सूट। हमारे पास गिन के चार सूट है जो हम पहन सकते हैं। ओ इतने ही है, देखियो जरा कैसे बोल रही है, आपके पास कपड़े नहीं है। और ये रहा गिफ्ट जो लेके जो आएंगे हम। अब मैं जा रही हूँ तैयार होने, ये तैयार होने लग गए। पापा तो तैयार होके आ भी गए, और ममता मैडम का डिसाइड ही नहीं हो रहा। ये ममता इधर देखियो, ममता
एक पहन के दूसरा ट्राई कर रही है। मैं हो चुकी हूँ तैयार और मैंने वही पहना है सूट आज जो करवा चौथ पे मॉर्निंग के टाइम पे पहना था सूट। और अब चलते हैं देखते हैं मम्मी और ममता तैयार हुए हैं कि नहीं हुए। पापा तो हो गए बट मम्मी और ममता का नहीं पता, बाकी चलो कुछ नहीं किया। चलते हैं लाइट बंद करते हैं। टन टन कौन कौन तैयार हो गया? दूसरा पहन रही थी क्यों? जब पहले पहन रही थी वो अच्छा नहीं लग रहा था तो इसने चेंज कर दिया। इतने सारे टॉप है, इतने सारे तो चेंज कर ले, अभी बहुत टाइम है। हाँ वो तो जाली है। दूसरा पहनना इसमें प्रेस भी नहीं हो रही, कैसा पहन रखा है भाई? ब्लैक वाला डाल लेना, वो भी तो ठीक है। दोबारा बांध लेना, यही पता जाना कौन से इतनी दूर जाना है। ये तो पुराना वाला है। और मम्मी भी तैयार हो गई, ममता भी तैयार हो गई है। और जो पार्टी है वो है आर्मी के है, वो रिटायर आर्मी के हैं तो उन्होंने उसमें दे रखी है पार्टी। कितने साल हुए उनको? 30 साल। सही तो है यार, 30 साल में रिटायर आ रहे हैं तो उसकी पार्टी है। बहुत बड़ी पार्टी, पूरे मोहल्ले वालों को बुला रखा, मतलब जितना भी इधर का मोहल्ला है उनको बुला रखा है। इतने जोर जोर से गाने चले, 4-5 दिन से गाने ही चल रहे हैं वहाँ कंटिन्यू, और आज पार्टी है। सोचो मुझे कितनी डिस्टर्बेंस होती होगी यहाँ पे बच्चों में, ऐसा गाने यहाँ से खिड़की से ऐसा आवाज आती है। तो उस कमरे में पढ़ा करना उधर नीचे वाले में जैसे मम्मी सोती है। खोल आराम से, अब ममता चमकेगी इसको लगा के, ग्लो वाला ग्लो, इससे ग्लो करते हैं पूरा फेस ग्लो। मैंने भी लगाया फिर नोज पे हाईलाइटर, बस ज्यादा नहीं। अब मम्मी का छपोड़ छपोड़ ऐसे कौन घिसता है? ये मुसाबक से पूरा कर रहे हो कि क्रीम घिस रहे हो? देखो तो मैं तो बनाऊंगी। एक तो हीरोइन लग रही हो एकदम, ये वाह स्माइल देखो जरा। अरे तू अपना लाइनर दिखाइए जरा, तो सही होना इसने कहा। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं, मम्मी पापा इधर चले गए हैं, मैं इधर हूँ, ममता इधर है, और निकलते हैं हम।
केक कटिंग चल रही है आगे, गोलगप्पा वो भी एक ही मिला, चाउमीन इतनी सारी कैसे मिल गई तुझे? मम्मी को मिली वो बारूद डाल के फोड़ते ना, बंदूक की तरह आवाज करता है। जी जी आज इसके लिए घास भी नहीं है, क्या खाएगा आज? पत्ता गोभी आ रहा है, ले मेरा चीची। पत्ता गोभी खाएगा आज, ये घास खत्म। उधर घुस गया, ये कहीं मेरे को पकड़ना ले दे इन्हें जरा। हाँ धनिया तो उसमें है रखा हो, उसको नहीं खा रहा धनिया को ज्यादा। पत्ता गोभी तो वहां ले गया, देखा वो टेस्ट करने के लिए सब चीज खाता है थोड़ा थोड़ा, फिर उसके बाद छोड़ देगा। फेंक देंगे सुबह, देख देखने आ गया क्या रखा इन्होंने, कम थोड़ी है ये, पत्ता छोड़ के देख देखने आया। पापा ने दी ना शायद उसको अभी, कोई नहीं खा लेगा बॉस, ठीक है। दोनों चीज करता हो, खाने सोने का तो काम। खाया पिया मैंने तो खाया पिया ही बस, तूने मम्मी पापा ने तो इन्होंने डांस किया, सब डांस करके आ रहे। और लास्ट में देखा मम्मी ने गोलगप्पे मिस कर दिया, हो मम्मी ममता मैम ने सबसे पहले गोलगप्पा लाई, वो भी एक तो कहाँ से लाती मैं, वो वैसे खाने वो जो अपने लिए मांगा था मैंने। और क्या बोलते हैं उसको, मम्मी ने पापा को भेज दिया घर और खुद चलेगी डीजे में डांस करने, कोई बड़ी मुश्किल से मसाले भर के नहीं दे रहा था वो, पानी पानी मीठा निकल रहा, बहुत सारी भीड़ हो गई थी तो पानी पानी भर के दे रहा, मैंने कहा मसाले क्यों रखे घर लेके जाओगे दे दो, तब दिया उसने मीठा मीठा, एक ही मीठा डाल रखा था उसने बहुत। और हम आ चुके हैं घर, अभी भी डीजे चल ही रहा है, बंद हो गया, चल रहा है, चल रहा है भाई, जब बंद कर दिया था उन्होंने, फिर उन्होंने फिर दोबारा चलाया, उन्होंने जब केक काटा था बंद कर देना था ना, पहले उन्होंने जाते ही केक काटना था ना, उन्होंने जाते ही क्योंकि लोग जाते हैं वहां फोटो फोटो लेके चले गए, फिर उन्होंने पहले बोलना था ना हम केक काट रहे हैं, क्योंकि जब तक गेट काटने लगे तब तक सब लोग खाने चले गए, और वहाँ पे कोई भी नहीं था, लेकिन कम से कम लोग तो थे ही नहीं वहाँ पे केक काटते टाइम, पर हाँ कोई नहीं थे, कुछ कुछ तो थे उनके अपने पर बाकी सब चले गए थे। तो हम आ चुके हैं घर, ना हो रहे हैं पर हम जल्दी आ गए खा पी के, तेरे को दोबारा जाने को जा सकती है, थोड़ा सा बैठे रह जाओ मैम, तेरे को चल चल ये आने को तैयार नहीं थी, अरे नहीं ठीक था, मैंने कुछ थोड़ी बोला, मैंने थोड़ी बोला मेरी कमर दर्द हो रही है, वो भी नहीं होगी, आपने बोला नहीं वो भी नहीं होगी, बोल नहीं पाते, चलो आप वो तो है फेशियल कराने में तो नहीं आ रही थी, आप तो फेशियल कराने 2-3 घंटे बैठ गए, फेशियल कराने में ऐसे ऐसे नहीं उठती बार बार ऐसे बैठ, चेयर भी तो आरामदायक होती है पार्लर की, मैं बार बार ऐसे ऐसे झुक रही थी, झूठ तो बोल रही थी। उस दिन मैं मेहंदी भी तभी सट्टे में लगवाई क्योंकि मेरी कमर दर्द हो रही थी। और अब कपड़े वपड़े चेंज करेंगे और सो जाएंगे और आपको मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट।